मध्य प्रदेश भोपाल में अप्रेंटिसशिप के लिए 570 से ज्यादा पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कुछ समय पहले, जिसके बारे में वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई थी आप सभी को। तो उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चाहे आप किसी भी राज्य के हों, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं रेलवे WCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जो कि केवल 15 मार्च तक लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आपको इस पेज पर आना रहेगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये क्लिक हियर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन के सामने, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यह जो MP ऑनलाइन लिमिटेड यानी रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट का ये पेज है, यहाँ पर से आपको आवेदन कर सकते हैं और सभी जानकारियाँ मिलेंगी। इनकी सेवाएं, डाउनलोड्स, आवश्यक सूचनाएं जो भी हैं, जितनी वैकेंसीज चल रही हैं वो वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हमें आवेदन करना है, कुल जो ये आई हुई वैकेंसी थी 570 पद की, हमें इसके लिए आवेदन करना है, जो कि यह है कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक शाखा भोपाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लिक करें। ठीक है, अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट इन DMR भोपाल में क्लिक यहाँ पर करें लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आएंगे आप इस वाले पेज से, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस पेज पर आ जाएंगे, ये फॉर्म का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, जैसे कि आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चरण 1 में नया खाता बनाएं, चरण 2 में जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है उसे क्रिएट करें, और थर्ड में आप इसे लॉग इन करें, फिर इसकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करें और भुगतान करें। भुगतान करने के बाद आप इसे फाइनल सबमिट करें। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा यहाँ का जो कार्यक्रम है वो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर सॉरी, आप बगल में आप देखेंगे कि साइन इन के लिए लिखा हुआ है इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड करके आ रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना रहेगा। नीचे आप ये भी देखेंगे कि अगर आप पासवर्ड या प्रोफाइल कुछ भूल जाते हैं तो वो आप यहाँ पे दोबारा से प्राप्त कर पाएंगे फॉरगेट करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि हो रहा है, थोड़ा सा सर्वर स्लो रहने वाला है तो ओपन होगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिएगा इसके लिए। ठीक है, किसी प्रकार का और कहीं पर भी क्लिक्स या आप इसको क्रॉस मत करिएगा, नया पेज थोड़ी देर में ओपन होगा। तो इस पेज में यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस पेज पर आप आएंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आप चेक कर पाएंगे। पूरी मेरिट से ये भर्ती है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा, तो आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप संबंधित क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप करने से रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप होती है, ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है, और ऐसे तो अप्रेंटिसशिप बहुत सारे विभागों के द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन हर जगह संभव नहीं रहता। और अच्छी खासी यहाँ पर आपकी वैकेंसी भी है, 570 वैकेंसी है, 15 से 24 साल के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद हमारा पेज इस प्रकार से ओपन हो गया है, जहाँ से हमें अपना यह पासवर्ड क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में सभी चीजें टाइप करनी है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अप्लीकेंट का नाम यहाँ पर आपको डालना रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया। ठीक, अगर अप्लीकेंट का लास्ट नेम है, जैसे कि आपका वर्मा, पांडे, मिश्रा जो भी, तो वो अगर है कुछ ऐसा नाम, या कुमार कुछ भी है जो लास्ट नेम है, वो आप डाल सकते हैं। नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम डालिए और फादर नेम डालिए। यहाँ पर किसी प्रकार का मिस्टर, मिसेज कुछ भी इस तरह के कोई वर्ड मत यूज करिएगा, जो अफसर नेम यूज करते हैं, सब कुछ मत करिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। फादर नेम आप यहाँ पर डालेंगे, हमने ये फादर नेम यहाँ पर फिल किया, इसी प्रकार से हम यहाँ पर मदर नेम भी फिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है सभी चीजें। तो फिर यहाँ पर
आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देते हैं और 1 जनवरी 1997 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने डाली है। तो प्लीज इंटर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये कह रहा है यानी कि डेट ऑफ बर्थ इसके अनुसार होनी चाहिए। ये देखिए, ये 15 से आप 24 साल के हों, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर कर दी है और ये देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया है। या आप यहाँ पर डेट ऑफ, आप चाहें तो दोबारा से बदलाव भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, 1/1/1999 हमने कर दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको डालनी है। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल वो सेलेक्ट करिए। कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं आप वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ST ST जो भी हो वो, तो हम UR सेलेक्ट कर लेते हैं अनारक्षित से, क्योंकि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को फीस देनी है, आप देख पा रहे हैं, ठीक, हमने ये सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको अपने जो 10 अंक का मोबाइल नंबर है, ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि मैंने ऐसे दिया, ठीक। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार की ऑफिशियल आपको मेल अगर भेजी जाए तो आपको वो प्राप्त हो, ऐसी ईमेल आईडी डालें, यानी कि उस पर मेल वगैरह सभी चीजें आती हों वही ईमेल आईडी डालें, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, फोटो आइडेंटिटी गवर्नमेंट कार्ड है, फोटो क्रेडिट कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक ही आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो वोटर कार्ड सेलेक्ट किया तो अब वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, जो आपके वोटर कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा, हम यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर दे देते हैं, ऐसे आपको देना है। उसी वोटर कार्ड नंबर को जो आपने वहां पर दिया है उसी को यहाँ पर आपको देना है, सही सही वोटर कार्ड नंबर आपको देना है, गलती यहाँ पर आप ना करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए उसी वोटर कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं और ये देखिए हमने टाइप कर दिया, ठीक, जैसे ही अलग क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए पासपोर्ट के तरफ पे क्लिक हो जाएगा, इसको आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यूजर नेम क्रिएट करिए, तो यूजर नेम आप अपना नाम डाल सकते हैं ऐसे, ठीक, नाम डालने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डाल दीजिएगा, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यूजर नेम आप अपने अनुसार एक यूजर नेम बनाइएगा। उसके बाद एक आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा, तो हम एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसी पासवर्ड जो हमने बनाया उसी पासवर्ड को हम यहाँ पर दोबारा से डालेंगे, दोबारा से हम डाल देते हैं, ठीक, हमने दोबारा से उसी पासवर्ड को डाल दिया, अब ये कंफर्म हो गया, जो पासवर्ड यहाँ पर वही पासवर्ड यहाँ पर डाला और यूजर नेम हो गया राहुल1999, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाद इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इतना होने के बाद आपको सबमिट है, इस पे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये देखिए सबमिट हो जाएगा, इसको चाहे तो सेव कर लीजिएगा, ठीक, ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आपको ये सभी चीजें मिलेंगी, जहां पर आप देखिए फीडबैक दे सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, माई फील्ड एप्लीकेशन का रिसिप्ट ले सकते हैं, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं या प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ से देखिए हम लॉग इन हो चुके हैं, वेलकम राहुल1999, लॉग आउट कर सकते हैं, आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पर आकर, ठीक। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन ओपन करना रहेगा, यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन जब ओपन करेंगे तो अभी ये सभी चीजें आपने नहीं फिल की हैं, कुछ चीजें फिल की हैं जो आपको ऊपर दिख रही हैं, क्या क्या चीजें फिल करनी है वो देखिए यहाँ पर, आर यू MP डोमेसाइल, क्या आपके पास MP का डोमेसाइल है, यस या नो वो सेलेक्ट करिए, रीजन सेलेक्ट करिए हिंदू मुस्लिम जो भी, ठीक, कैटेगरी आपने पहले सेलेक्ट की है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप इसमें से कुछ अगर हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, संबंधित है कि नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो MP राज्य से आवेदन करेंगे, उन्हीं को ये ऑप्शन ओपन मिलेगा। आप मैरिड हैं या नहीं है वो आप सेलेक्ट करिए, ठीक है, मैरिड अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सभी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। ये हैंडीकैप के लिए है, जो हैंडीकैप विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, तो हम वो नहीं है इसलिए हम इसको भी नो कर देते हैं।
और ये आपका सीपीसीटी, हैव यू पास सीपीसीटी। अगर आप सीपीसीटी पास हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, पूरा यहाँ पर बताएंगे कि आपने कब पास किया, कैसे किया, नहीं है तो आप नो करिए, और नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका जो पता है, जो आपका घर का पता है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो क्या है, पूरा मकान नंबर है तो मकान नंबर, गांव में रह रहे हैं तो विलेज पोस्ट, इस तरह से पूरा एड्रेस आपको देना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छे से टाइप करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करिएगा, किस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना आपको जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले से आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले को यहाँ पर डालिए। फिर उस जिले में, जिस जिले में आप रह रहे हैं वहाँ की तहसील क्या है, ठीक है, सिटी क्या है वो डाल दीजिए। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक है, एरिया का पिन कोड होता है वो आपको देना रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई दूसरा परमानेंट एड्रेस है तो आप फिल करिएगा, नहीं है तो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पर क्लिक करिएगा, ये फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमने पहले ही फिल की है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पर कुछ आपकी छूट से संबंधित यहाँ पर यस नो आपको करना रहेगा, जैसे कि एक्स सर्विस मैन है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं, ठीक है, कोई आप होम गार्ड हैं या आप यहाँ पर ये देखिए पूरा पढ़ते रूल एम्प्लॉय वगैरह कहीं के हैं तो वो भी EMP से संबंधित है। फिर यहाँ पर आपका जो आ रहा है कहीं एडमिट है आफ्टर आर्मी के बाद कहीं एडमिट रहे, ऐसा कुछ है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद विक्रम अवार्ड होल्डर हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर है तो आप इसको यस कर सकते हैं, वरना सबको आप नो कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक। इतना कर दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर आ गए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, यहाँ पर आपको मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए और जिस ट्रेड के लिए आवेदन करेंगे उसमें ITI होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करिए, यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी आपने किया है वो सेलेक्ट करिए। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, क्या रोल नंबर था आपका हाई स्कूल में वो डालिए, किस ईयर में आपने पास किया वो डालिए, कितने प्रतिशत अंक पाए वो डालिए और ऐड कर दीजिए। बस इतना छोटा सा है, देखिए जैसे हमने ऐड किया, देखिए फटाक से ऐड हो गया, बहुत ही आसान है। उसके बाद आप यहाँ पर कहाँ आएंगे, अब यहाँ पर आप यहाँ पर डिप्लोमा है, ठीक है, स्नातक है, ये सभी चीज़ें हैं, कुछ भी आप रखो, हम डिप्लोमा ऐड कर देते हैं, तो डिप्लोमा सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ पर थोड़ी देर में देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ गया ITI का, फिर आपने ITI कहाँ से, फिटर किस में, यानी कि आपका ट्रेड पूछा जा रहा है तो फिटर में हमने किया है, फुल टाइम पार्ट टाइम वो सेलेक्ट करिए, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया वो डालिए, रोल नंबर क्या है उसका जो आपने मार्कशीट क्वालिफाई किया है, किस ईयर में आपने पास किया वो डालिए, कितने प्रतिशत अंक के साथ किया और ऐड कर दीजिए। बस ऐसे आपको करना है, देखिए दोनों चीज़ें ऐड हो गई, बस दो ही क्वालिफिकेशन है, दो चीज़ें ऐड करनी है, नेक्स्ट कर देना। अगर आप चाहें तो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं एक्सपीरियंस डिटेल में, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है, किस जगह पर आपने वर्क किया है उस कंपनी का, ये डिटेल्स आप अच्छे से यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक जो भी है वो सेलेक्ट करिएगा। पोस्ट का नाम यहाँ पर डालिएगा, मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ, आपको सही सही चीजें डालनी है। कब से आपने जॉब का शुभारंभ किया, ठीक है, यानी कब से आपने शुरू की नौकरी वो यहाँ पर डालिए, और कब तक आपने नौकरी की वो यहाँ पर डालिए, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दीजिए। बस इतना आपको करना है, देखिए ऐड हो गया और नेक्स्ट कर दीजिए, ऐसे आपको ये करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर JPEG फाइल 80 KB के आसपास होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, ब्राउज फाइल पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपकी जहाँ पर भी फाइल पड़ी है उस फाइल पर जाना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है, ये देखिए आ गई इस प्रकार से, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद टिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से सिग्नेचर, सिग्नेचर पर ऐसे जाना है, इसको आपको जहाँ भी सेट करना है, क्रॉप वगैरह जैसे चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, इसको खींच के ऐसे ऊपर कर सकते हैं, मतलब इतनी ही साइज होनी चाहिए, और इसको टिक कर दी, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, मुझे अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर और सही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जी हाँ, ये आपको सेलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
बस इतना आपको करना है फोटो सिग्नेचर। तो जैसा ही आप इतना करेंगे तो ये आपका रिसिप्ट हो गई, ये आपकी रिसिप्ट हो गई, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को पूरा अच्छे से देख लीजिए जो आपने फिल किया, और इसका आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करिए, प्रिंट पर आप क्लिक करिए। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, देखिए हम प्रिंट पर क्लिक कर रहे हैं, तो प्रिंट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे ही प्रिंट का क्लिक कर रहे हैं, प्रिंट किसी कारण से नहीं हो रहा है, अगर ऐसे ना भी हो तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस पी कर दीजिएगा, किसी कारण से नहीं होता है कभी कभी। तो देखिए जैसे हमने किया तो ये देखिए प्रीव्यू आने लगा, प्रीव्यू आ गया, सेव कर लीजिए, बाद में इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया। ठीक, अब सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पूरा आपका ये जो डिटेल्स थी, जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह सभी चीज़ें वो यहाँ पर हमारी फिल हो गई। अब इतना करने के बाद आप फिर से यहाँ पर अब बैक जा सकते हैं। तो बैक कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको लॉग आउट कर दीजिए, या इस पर भी आप क्लिक करिए, तब देखते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे राहुल1999 पे, तो आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट किया, रनिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखिए यहाँ से आप चेक करेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो रनिंग में है, ये देखिए ये वाला हमने फॉर्म भरा है, ये रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये अप्लाई के लिए है। ठीक है, तो इस पे अप्लाई पर क्लिक करके देखेंगे पहले। ठीक है, जो कि हम 15 मार्च से पहले कर सकते हैं। तो ये देखिए आ गया, ठीक है, ये देखिए आ गया पूरा डिटेल्स यहाँ पर, इसको आप अप्लाई करने की। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, जो आपने फिल किया है वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब इसे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हमने कर दिया। देखिए नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए अन्य जानकारियां हैं, कुछ और मांगी जाएंगी यहाँ से आपको। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, जैसे क्या आपने पहले रेलवे अप्रेंटिस के तहत कुछ परीक्षण वगैरह यहाँ पर लिया है, यस या नो, वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हिंदी में हैं, निम्न में से एक का चयन करें, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें टिक करना है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत जो पहचान चिन्ह है, यानी कि आपके बॉडी पर कोई कट मार्क वगैरह ये पूछा जा रहा है, कोई चिन्ह जिसे आपको पहचाना जा सके, तो कट मार्क ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको अपना जो पहचान चिन्ह है वो डालना है यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरा अगर पहचान चिन्ह है तो वो डालिए। निकटतम जो आपका रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, क्या उम्मीदवार अवकाश प्राप्त कर कोई उम्र कोई है ऐसा कुछ, अगर पुत्र वगैरह तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, रेलवे से संबंधित है ये। ठीक है, ITI आपने कैसे किया है, NCVT या SCVT, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या आप विवाहित हैं, यस या नो, वो आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हाई स्कूल की आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, JPG इमेज फाइल में अपलोड कर सकते हैं, तो इमेज फाइल अपलोड कर दीजिएगा इस प्रकार से। देखिए हमने अपलोड कर दी। यहाँ पर आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, तो यहाँ पर आप ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक होंगे वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर पोस्ट डिटेल आ गई। अब हमने फिटर हमने किया है तो हम फिटर के सामने ही क्लिक करेंगे बस। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिशियन वायरमैन जिससे भी किया होगा आप उसके सामने क्लिक करेंगे, इस घोषणा पे टिक करेंगे, बैक जा सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, तो हम सबमिट कर देंगे। इतना आपको करना है यहाँ पर। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पूछा जा रहा है ये प्रशिक्षण के लिए, तो इसको आप नो कर दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई तो हम इसको नो करके, और यहाँ पर देखिए फाइल का साइज जो मैक्सिमम है वो 150 KB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए हम फाइल का साइज यहाँ पर कम, जो जिसकी फाइल की साइज हो वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो चलिए दोबारा से अपलोड करते हैं। तो हमने ये देखिए अपलोड किया दोबारा से फाइल को, और यहाँ पर फिटर सेलेक्ट करिए, ठीक, और एक्सेप्ट करिए और सबमिट करिए। तो अब देखते हैं साइज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइज में अगर प्रॉब्लम होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, अभी भुगतान नहीं हुआ है, अभी हमारा भुगतान नहीं हुआ है, केवल फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट ले सकते हैं अभी भी यहाँ से, तो हम प्रिंट चाहें तो आप अब यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट आ जाएगा आपका पूरा, जैसा प्रिंट यहाँ पर होना चाहिए उस प्रकार से यहाँ प्रिंट निकलेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट पर, ये देखिए आ गया ना, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, जो ग्रीन बटन है पेमेंट की उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा,
आप सिटीजन या कियोस्क किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कियोस्क, तो कियोस्क पर आप यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर कियोस्क आईडी, पासवर्ड, क्योंकि इन्होंने जो पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है वो कियोस्क के माध्यम से दिया है। तो आप अपने जहाँ पर आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर जो SBI के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क सेंटर होंगे, वो यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और आपका यहाँ पर पेमेंट कंफर्म कर देंगे। यहाँ से आप इस प्रकार से इसकी पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, कियोस्क के लिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बताया गया, यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने की इन्होंने यहाँ पर सुविधा दी है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ पर केवल इसी तरह से आपको आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। या सिटीजन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, सिटीजन पर क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा अगर आप कियोस्क पे नहीं कर सकते हो। सिटीजन में क्लिक करके यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका भी पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पर भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तभी ये यहाँ पर लॉगिन होगा, क्योंकि और कोई यहाँ माध्यम नहीं दिया गया है पेमेंट करने का। तो पेमेंट सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप इतना कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस बचेगा वो आपको केवल और केवल प्रिंट लेना ही रह जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ से आपको प्रिंट लेना ही बचेगा। तो प्रिंट सभी अभ्यर्थी ले सकते हैं, और प्रिंट लेना मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं प्रिंट, और या तो फिर आप दोबारा से, नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से यहाँ पर आइएगा इसी पेज पर और क्लिक हियर करिएगा। यहाँ पर ये पहले से ही आपका सेव कर लीजिएगा, 7 6 B 4 0 2 ये डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, रिसिप्ट है, उसका प्रिंट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके ये देखिए डिपार्टमेंट रेलवे और एग्ज़ाम यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, ये देखिए आ गया। और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखिए अनपेड है, अभी इसकी फीस नहीं जमा है, तो फीस जमा करने के बाद यहाँ पर पेड लिख कर आने लगेगा इसका स्टेटस, और यहीं से आपको प्रिंट लेना है जैसे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक प्रिंट यहाँ पर मिल जाएगा फीस जमा करने के बाद। अभी भी प्रिंट मिलेगा लेकिन फीस जमा करने के बाद ही लीजिएगा, वो आपका वर्क में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों, अपने व्हाट्सएप फेसबुक के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी आसानी से आवेदन कर सके। और कोई जानकारी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह के जॉब अपडेट के लिए, इसी तरह के और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।